सो हे गाइस, वेलकम टू अवर चैनल D17 व्लॉग्स। तो गाइस, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था मेरे कि हमारे पास एक 220 है जिसको मेरे भाई ने काफ़ी अच्छा खासा मोड किया है, तो आज वो हमारे सामने है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये हमारी पल्सर 220F 2018 वेरियंट। तो जैसे कि इसमें गाइस बता दूँ, सबसे जो मेन मोड किया हुआ है वो इसकी फेयरिंग्स है। तो आप जैसे कि देख सकते हो, ये यमहा R15 V1 और V2 वाला लुक दे दिया है इसको, ये 220F को। तो आप ये देखो ना, मतलब ये जो वहाँ पे देखो जो मेरी 220 खड़ी है उसका लुक देख लो, और ये वाली 220 का लुक देख लो। मतलब लुक्स में इतना फ़र्क आ गया है ना ये चीज़ करने के बाद। और इसमें से काफ़ी बहुत सारे मोड्स किए हमारे भाई ने, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। और ये सबसे पहला जो मोड है आपने देख लिया, फेयरिंग है, एंड उसके बाद ये इंडिकेटर्स, मिरर वाले इंडिकेटर्स, ये देखो ये मिरर के अंदर भाई इंडिकेटर है, ये देखो। और ये जो इंडिकेटर है ये नॉर्मल वाला इंडिकेटर है, आपको ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल है, बट इसके अंदर का जो लाइट्स है ना ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। ये हमें 500 का पेयर मिला है, मतलब दोनों जो लाइट्स है छोटे छोटे ये हमें 1000 रुपीज़ का पड़ा है चारों साइड में, विथ 1 ईयर वारंटी, देख सकते हैं। और ये KTM वाले इंडिकेटर, मतलब मिरर्स है, ये भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और का छोटे मोटे मोड्स किए इसमें, ये स्टिकरिंग और ये सलमान भाई का नाम। तो और ये जो सबसे दिक्कत आने वाली चीज़ है ये फेयरिंग, ये जो फेयरिंग को उन्होंने वर्क किया है काफ़ी अच्छा किया। ये भी काम दिलीप भाई ने किया है, दिलीप भाई के द्वारा ही करवाया, जिससे कि आप में देख सकते हो वेल्डिंग का काम ही नहीं होता है। जो सब है ये क्लैंप्स पे फिट किया है, इसको कि खोलना भी काफ़ी ईजी है। ये 10 का T और ये 2 बोल्ट्स, अगर इन फ्यूचर हमें कुछ अंदर काम आया तो इंस्टॉलेशन इसका जो खोलने का प्रोसेस है वो काफ़ी ईजी है। देख सकते हो, बस ये 1 बोल्ट है और यहाँ पे 2 बोल्ट है, और सेम यहाँ पर भी यही प्रोसेस है, 2 बोल्ट यहाँ पे और एक ये यहाँ पे। तो मतलब इसका काम थोड़ा बहुत अभी बाकी है, जैसे कि आप देख सकते हो थोड़ा बहुत पेंटिंग्स वगैरह इसके डल हुए, तो हमें इसको रिपेंट करने वापस देना है, बिकॉज ये बहुत घाई घाई में काम हुआ। हम इनको, सलमान भाई को गाड़ी बहुत जल्दी चाहिए थी, तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत यहाँ पे पेंटिंग का काम प्रॉपर नहीं हुआ, बट जो फिनिशिंग है, जो काम का प्रोसेस है, जिससे कि मैं आपको बताया कि भाई दिलीप भाई के पास आप जाओगे थोड़े बहुत पैसे ज़्यादा लगते हैं, बट दिलीप भाई काम काफ़ी ओपी करके थे। देखो ना, अब दूर से आप देखो 220 को, मतलब लगती नहीं है कि 220 है, ये देखिए दूर से दिखने में काफ़ी ओपी लग रहा है हमारा 220। इसमें भाई ने एग्जॉस्ट भी इंस्टॉल किया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था जब मैंने अपना एक्रापोविक का भाई को सेल किया था तो इंस्टॉल किया था, बट उन्होंने निकाल के वापस स्टॉक वाला लगा दिया, बिकॉज उन्होंने भी मुझे ये बोला कि भाई हमारे एरिया में काफ़ी प्रॉब्लम है RTO के, और उनको काफ़ी ट्रैवल वगैरह करना पड़ता है, तो इसीलिए उन्होंने अपना एग्जॉस्ट निकाल दिया, वरना अगर एग्जॉस्ट रहती तो ये बाइक ही कुछ अलग रहती। तो ये देख सकते हो पीछे वाले इंडिकेटर्स, ये इंडिकेटर्स काफ़ी अलग है, नॉर्मल इंडिकेटर्स से काफ़ी अलग इंडिकेटर है, देख सकते हो आप। और इसमें उतना कुछ ज़्यादा मोड दिखेगा नहीं आपको, बट ये जो कुछ 2-3 इन्होंने मोड्स किए वो काफ़ी OP वाले मोड्स हैं मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि जो ये सेमी फेयरिंग थी अब ये फुल फेयरिंग बन चुकी है। हम इसको राइड करेंगे, पर फिलहाल अभी आप ये लुक देखिए, मतलब वो जो भरा वाला फील, मतलब मैंने अभी तक इसको राइड नहीं किया है, अब जब राइड करूँगा तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा इसका, कि भाई मुझे ये R15 वाला लुक, मतलब R15 वाला फील देती है कि नहीं, मतलब दिखने में तो ये पूरा R15 वाला गाड़ी लग गया। अब V2 या V1 का जो ये है, दूर से देख सकते हैं एक ज़रा इसका, आप ये देख लीजिए, ये देखिए ये इसका एक वॉक अराउंड ले लेते हम, ये देखिए। तो ओवरऑल ये मिरर्स भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, देखो ना ये मिरर्स के अंदर तो इंडिकेटर है ना, और ये वाटरप्रूफ है, कोई टेंशन लेने की नीड नहीं है हमें, ये वाटरप्रूफ है, तो ये भी चीज़ मुझे काफ़ी अच्छा लगा मिरर्स का। और इसमें फ्लैशर इंस्टॉल है, जैसे कि देख सकते हो वहाँ पे कोने में छुपा है सलमान भाई ने, मुझे भी फ़िलहाल रिसेंटली बताया था। तो अब हम इसको राइड करेंगे, तो अभी आपको सीधा मिलता हूँ मैं मोटो व्लॉग के सेटअप। तो गाइज हम आ गए इसके मोटो व्लॉग वाले सेटअप पे, अभी इसको राइड करके देखते कैसा फील होता है। तो मतलब ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये वाला, यहाँ पे मुझे एकदम भरा भरा लग रहा है काफ़ी, और है भाई 220 है तो भागेगी, अच्छा भागेगी काफ़ी, मज़ा आ रहा है।
वो जो फील है एक थोड़ा भर के दिखने वाला, मतलब बाय हैंडल तो नहीं लग रहा है मेरे को, बट जब ऐसा ये नीचे वाला पोर्शन और गाड़ी का, गाड़ी हैवी काफ़ी हो गई है, मतलब एज़ कम्पेयर टू मेरी 220, और इसमें मुझे वेट रेशियो का काफ़ी फ़र्क लग रहा है। और सही में अच्छा अच्छा तो लग रहा है, बट एक ऐसा है भगाने का टाइम पे थोड़ा सोच के भगाना पड़ता है, क्योंकि ये हैवी हो गई है ना, तो कट वगैरह मारने में थोड़ा टाइम लगेगा। मतलब अगर किसी सलमान भाई को तो आदत हो गई रहेगी इसकी। ये देख सकते हो ना आप, यहाँ पे देखो कैसा भर के दिख रहा है, मतलब ये जो पोर्शन है काफ़ी कवर हो गया, यहाँ पे एकदम भरा भरा फील आता है अभी यहाँ पे। सही में वाइसर भी मेरे जैसा लगा है, बट मेरा कुछ ज़्यादा ऊपर है और ये थोड़ा थोड़ा डाउन साइड में है, तो ओवरऑल सही है। और ये बाइक में पहले रिमोट वाला सिस्टम था, सलमान भाई यहीं से कुछ ऑन करते तो बाइक ऑन होता थी, बट बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इशू की वजह से सलमान भाई ने ये वाला सेटअप निकाल दिया इसमें से। और वरना पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम सलमान भाई से मिला तो सलमान भाई ने ऐसा उनके पॉकेट में चाबी था और उन्हें चालू कर दिया, मुझे लगा कि भाई ये क्या हो गया। तो ये वाले सिस्टम भी हार्ड है इसमें, और सलमान भाई को मॉडिफाइड करने का काफ़ी शौक है अपने बाइक में। काश अगर इसमें अपूर्वा होता तो काफ़ी मज़ा आता, मैं उसको एक्रापोविक अपूर्वा बोलता हूँ, तो मुझे वही अच्छा लगता है। अभी तो मैं एक्रापोविक बोलता हूँ ना, पहले मैं उसको अपूर्वा ही बोलता था, बिकॉज मेरे को पहले नाम ही नहीं आता था उसका लेने के लिए। और भगा के देखते, मुझे इसको थोड़ा भगाने में डिफ़िकल्ट हो रहा है, डिफ़िकल्ट इन द सेंस कि वेट की वजह से मेरे को थोड़ा ऐसा लग रहा है कि भाई कंट्रोल तो हो जाएगी ना, बस कंट्रोल का मेरे को इसमें थोड़ा ये लग रहा है, क्योंकि ये देखो ना है भाग रहे, काफ़ी अच्छी भाग रही है गाड़ी बाइक, तो भागने में 220 भाई। देख सकते हो भागने में तो भाई 220 है आखिर, भले ये BS6 आई थिंक सो, ये BS6 नहीं होगी, 2018 की वेरिएंट है, तो BS4 वाली है, बट है पावरफुल है, 220 है ब्रो। ये देखो ये मेरे बिल्डिंग का बैक साइड वाला रोड है, तो यहाँ पे रोड अच्छे थे इसलिए मैं इसको थोड़ा चेक करने के लेके आ गया। ब्रेकिंग भी अच्छे, ABS मॉडल नहीं है ये, ब्रेकिंग भी इसका काफ़ी अच्छे, तो ओवरऑल ये बाइक राइड करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है मेरे को, बिकॉज इसका जो भरा हुआ लुक है, मेरे को बस भगाने में थोड़ा कट मारने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, बट ओवरऑल काफ़ी अच्छी लग रही है बाइक, देख सकते हो आप। ये इसके इंडिकेटर्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, देखो ना ये ऊपर वाले इंडिकेटर और ये साइड वाले इंडिकेटर, ये दोनों ही काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। और ये भरा हुआ लुक, एक फ़ोटो हो जाए, हम फोटो बाद में ले लेंगे, बट मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है, मैं भी ऐसा कराने का सोच रहा है, बट वही जैसे कि मैंने आपको बताया थोड़ा भगाने में और थोड़ा कट मारने में मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है, और इसके वेट बढ़ने के कारण ये थोड़ा टॉप एंड में आपको प्रॉब्लम भी दे सकती है भागने में, क्योंकि इसकी थोड़ी बहुत भागने की ये वजन, अगर गाड़ी जितनी हल्की हो उतनी भागने में ओपी रहती है, बट ये थोड़ी वजन के वजह से ऐसा लगता है कि हाँ भाई थोड़ा कम भाग रही है एज़ कम्पेयर टू मेरी 220 से। तो ये रहा, और मैं आपको इसका एक्सपेंस बता दूँ तो ये इसका खर्चा अप्रोक्स हमें एक 5,000 रुपीस तक का खर्चा है सब कुछ, जैसे कि इसमें पहले कंपनी वाला बेली इंस्टॉल था, बट वो भी निकाल के तो दिलीप भाई ने अपने हिसाब से इसमें इंस्टॉल किया है। मैं अपना ये वाइसर निकाल देता हूँ, मुझे बहुत गर्म हो रहा है, यस। तो वाइसर भी, सॉरी वाइसर नहीं, बेली पैन, इसका जो बेली पैन है ये भी दिलीप भाई ने अपने इस हिसाब से फिट किया, क्योंकि ये जो पूरा फिटिंग है सब दिलीप भाई का आइडिया है, तो इसमें जो कंपनी का जो बेली था वो निकाल के इसमें दिलीप भाई ने अपना दिमाग वाला बेली इंस्टॉल किया है। ये बेली टूट भी गया था इंस्टॉल करते वक्त, बट वापस से, इसलिए इसको बहुत डिले हो रहा था आने में। तो ये देख सकते हो आप, इसके अंदर से फिटिंग्स देख सकते हो, अंदर से जो इसका काम किया हुआ है, तो ये देख रहे हो ये गर्म के कारण इसको जो टच हो रहा है तो थोड़ा हीट टाइप में हो रहा है, देखो। तो ये करना ठीक भी है, अगर आप अपने शौक के लिए कराना चाहते हो तो ठीक है, बट मेरी ओपिनियन मानो तो ये ना करो तो बेस्ट है, क्योंकि गाड़ी जितनी स्टॉक रहेगी गाड़ी उतनी बेस्ट होती है। गाड़ी आप जितनी स्टॉक से स्टॉक रखने की कोशिश करो ना, आप ग्राफिक्स, रिम्स कलर और वो जो भी कुछ छोटे छोटे जो मोड्स होते हैं जिससे इसको इंजन वगैरह को और चेसी वगैरह को इफ़ेक्ट नहीं होता, आप वो चीज़ करवा सकते हो। बट ये देखो ना, आप ये देख रहे हो यहाँ पे सामने,
कि ये इंजन को लग रहा है, तो ये थोड़ा बहुत इसका जो फाइबर है ये जल रहा है, इसे कॉन्टैक्ट में आ रहा है, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा हीट होता है जब आप ऐसा भगाओगे तो ये बहुत ज़्यादा हीट होता है। तो काफ़ी अच्छा भी है लुक्स में 220 को, काफ़ी एक अच्छा लुक आ जाता है, देख रहे हो ना कितना अच्छा लुक आ रहा है 220 को। बट सबका अपना अपना ओपिनियन है भाई, सब लोग अपनी अपनी पसंद है, अगर जो करवाना चाहता है करवा सकता है। मैं नीचे दिलीप भाई के एड्रेस मोबाइल नंबर सब डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उनसे कॉन्टैक्ट करके आप बात कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है भाई, इतना इतना अच्छा काम जो किया दिलीप भाई ने, देखो ना यहाँ से पूरी भरी भरी लग रही है। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, होप सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और ये 220 पसंद आई हो, मुझे काफ़ी पसंद आ गई 220, अगर आपको भी पसंद आई तो भाई एक लाइक ज़रूर कर देना। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय बाय।